गाइस, आपका स्वागत है अनस्क्रिप्टेड फैक्ट्स के फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में इंडियन डिफेंस फोर्स के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पांच ऐसी गन्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें पूर्ण रूप से स्वदेशी तौर पर भारत में ही विकसित किया गया है। इनमें से कुछ गन्स को इंडियन डिफेंस फोर्स की सर्विस में ऑलरेडी कमिशन कर दिया गया है और जबकि कुछ गन्स की टेस्टिंग चल रही है और भविष्य में यह भी इंडियन डिफेंस फोर्स की सर्विस में शामिल होंगी। तो चलिए जानते हैं कि स्वदेशी तौर पर विकसित की गई यह कौन कौन सी गन है। तो सबसे पहले बात करते हैं असॉल्ट राइफल्स की। इसमें तीन तरह की गन है, पहली 1v1 इंसास और दूसरी एक्सकैलिबर और तीसरी मल्टी कैलिबर। इंडिविजिबल वेपन सिस्टम 1v1 इंसास इंडियन आर्मी द्वारा वर्तमान समय में इस्तेमाल की जाने वाली एक स्टैंडर्ड असॉल्ट राइफल्स। इसके बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा और यह 5.56x45mm गैस ऑपरेटेड रोटेटिंग बोल्ट असॉल्ट राइफल है जो एक मिनट में करीब 600 से 650 राउंड फायर करने में सक्षम है। 1v1 इंसास असॉल्ट राइफल्स के इफेक्ट की 1v1 इंसास असॉल्ट राइफल्स के इफेक्ट की फायरिंग रेंज है 400 मीटर। इस राइफल को डिजाइन किया गया है भारत के आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी RDE ने इसको मैन्युफैक्चर किया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने। और यह भले ही स्वदेशी तौर पर विकसित की गई असॉल्ट राइफल, लेकिन दुर्भाग्यवश इस राइफल का रिकॉर्ड बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है और इसे जल्द ही 7.62x51mm कैलिपर वाली नई असॉल्ट राइफल से रिप्लेस कर दिया जाएगा। अब आते हैं इस कैटेगरी की दूसरी राइफल पर, एक्सकैलिबर। यह भी एक 5.56x45mm की गैस ऑपरेटेड रोटेटिंग बोल्ट असॉल्ट राइफल है और यह एक मिनट में 650 से 700 राउंड्स फायर करती है और आप इसे इंडियन आर्मी 1v1 इंसास असॉल्ट राइफल का ही डेरिवेटिव कह सकते हैं। लेकिन इस एक्सकैलिबर असॉल्ट राइफल में इंडियन आर्मी के स्टैंडर्ड 1v1 इंसास असॉल्ट राइफल की तुलना में कई सारे सुधार किए गए हैं और इसे विकसित इसीलिए किया गया है ताकि इसे एक स्टॉप गैप के तौर पर इंडियन आर्मी के स्टैंडर्ड असॉल्ट राइफल इंसास को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। अभी फिलहाल यह एक्सकैलिबर असॉल्ट राइफल अंडर डेवलपमेंट स्टेज में है और इसकी टेस्टिंग चल रही है। अब बात करते हैं इस कैटेगरी की तीसरी राइफल के बारे में जो है मल्टी कैलिबर इंडिविजिबल वेपन सिस्टम। इस असॉल्ट राइफल को भी आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी RDE ने किया है। इसको मैन्युफैक्चर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली ने किया है और फिलहाल अभी इस असॉल्ट राइफल के प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स को भी विकसित किया गया है और जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह मल्टी कैलिबर असॉल्ट राइफल है यानी कि इसमें 5.56x45mm 7.62x39mm 6.8mm यह राइफल एक मिनट में 600 से 650 राउंड्स फायर करती है। इसके फट सिस्टम के तौर पर इसमें 30 राउंड वाली बॉक्स मैगजीन का इस्तेमाल किया जाता है और 2015 के बाद से इस राइफल को एडवांस ऑटोमेटिक राइफल यानी AAR या एफ इंसास राइफल के तौर पर जाना जाता है। और फिलहाल इस असॉल्ट राइफल की भी टेस्टिंग चल रही है और इसे भी खास तौर पर इंडियन आर्मी स्टैंडर्ड असॉल्ट राइफल के तौर पर विकसित किया गया है। अब बात करते हैं चौथी कैटेगरी की जो है लाइट मशीन गन। इंडियन आर्मी लाइट मशीन गन के तौर पर इस वेपन का इस्तेमाल करती है, वो भी इंसास राइफल की फैमिली की ही लाइट मशीन गन है और इसे भी RDE द्वारा डिजाइन किया गया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड मैन्युफैक्चर किया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने मैन्युफैक्चर किया है यह भी 5.56x45mm की यह रोटेटिंग बोल्ट गैस ऑपरेटेड लाइट मशीन गन है जो 600 से 650 राउंड एक मिनट में फायर कर सकती है। अब बात करते हैं पांचवें कैटेगरी की जो कि है विध्वंसक। यह एक मल्टी कैलिबर की एंटी मटेरियल राइफल है और इसे डिजाइन और मैन्युफैक्चर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली ने किया है और इसका इस्तेमाल कई सारे एंटी मटेरियल रोल्स के लिए किया जाता है।
यह राइफल लॉन्ग रेंज की स्नैपिंग कंट्री स्नैपिंग के लिए काफी इफेक्टिव है। और जैसा कि हमने आपको बताया है कि यह मल्टी कैलिबर की एंटी मटेरियल राइफल है, तो इसलिए इसमें 14.5x114mm, 12.7x108mm, 20x82mm कैलिबर का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो इसकी अधिकतम फायरिंग रेंज है 2300 मीटर, लेकिन 1800 मीटर की दूरी तक यह सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। इसमें 3 राउंड वाली मैगजीन का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें 8x12x मैग्निफिकेशन स्कोप भी इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी रोचक और शानदार जानकारी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को अपने WhatsApp और Facebook पर जरूर शेयर करें ताकि और लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। दोस्तों, और भी रोचक और शानदार वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।